हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो का जो टाइटल है वो आपने देख ही लिया होगा, दैट इज हाउ टू गेट जॉब एज अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से जॉब मिल सकती है या कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको वेरियस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। हमारा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतना बड़ा है, ओके, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस इंडस्ट्री में आपको वेरियस टाइप की जॉब ऑफर हो सकती है, लेकिन उसका एक सर्टेन नॉलेज आपके लिए होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जब हम पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या फिर एमटेक करने के बाद जब हम मार्केट में आते हैं कि हमें जॉब चाहिए, ओके, तो उस टाइम में हमें फेस होते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नॉलेज। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं एज अ आप फ्रेशर हो, बट ये फ्रेशर का अगर आपको टैगलाइन हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी इंजीनियरिंग तो आपको अच्छे से करनी है, बट साथ ही साथ आपको पहले सॉफ्टवेयर सीखने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर आपको बिल्डिंग में काम करना है, मतलब अगर आपको रियल एस्टेट में काम करना है, ओके, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट डिफरेंट जॉब होते हैं। पहला जॉब होता है एज अ डिजाइन का, मतलब अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो आप बिल्डिंग डिजाइन के सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। तो बिल्डिंग डिजाइन के सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे? आपको सीखना पड़ेगा ऑटोकैड, ओके, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा स्टैट प्रो एडवांस वर्जन, ओके, आपको सीखना पड़ेगा ईटैप। ठीक है, ये तीन सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीख जाते हो तो आप बिल्डिंग की डिजाइन आराम से कर सकते हो, और उनके साथ ही साथ आपको इंडियन स्टैंडर्ड जो होते हैं आईएस स्टैंडर्ड, ओके, आईएस कोड्स, या फिर अगर मेरे वीडियो दूसरे कंट्री से अगर आप कोई देख रहे हो तो वहां के स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ बिल्डिंग के साथ सिर्फ डिजाइन ही आता है, बिल्डिंग का 3D मॉडलिंग भी आता है। ठीक है, 3D मॉडलिंग, तो आपने देखा होगा 3D मॉडलिंग के दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो 3D मॉडलिंग बीम के लिए यूज की जाती है, मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए, जिसके थ्रू आप एस्टिमेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, यह भी एक नया कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप बीम को छोड़ेंगे तो एस्टिमेशन कंसेप्ट आता है, क्योंकि 3D मॉडल में डायमेंशन होते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेथ, तो इनका यूज करके आप क्वांटिटी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका सेक्शन, ओके, सेक्शन एलिवेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप उसका सबमिशन ड्राइंग निकाल सकते हैं, ओके, सबमिशन ड्राइंग, ठीक है, उसके बाद आप उसका इंटीरियर मॉडलिंग कर सकते हैं, ओके, इंटीरियर मॉडलिंग, ठीक है, उसके बाद आप उसकी एक्सटीरियर मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये करने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है? तो ये सारी चीजें करने के लिए एक तो आप रेविट कीजिए, ठीक है, ऊपर का जो ऑटोकैड है वो इन सारे काम के लिए आपको हेल्प करेगा, ओके, और अगर आपको करना है तो आप और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आर्चिकैड, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं जिसका यूज करके आपको और हेल्प मिलेगी ये सारी चीजें करने के लिए। नाउ बिल्डिंग में आपने डिजाइन, आप डिजाइन में जॉब कर सकते हैं, बिल्डिंग में आप 3D मॉडलिंग में इन सारी चीजों में काम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग में आप वैल्यूएशन में काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वैल्यूएशन में काफी इंटरेस्ट है कि बिल्डिंग की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए आप काम कर सकते हैं, ये एक जॉब प्रोफाइल आपकी बन सकती है। उसके बाद अगर आपको और काम करना है और आपको इंटरेस्ट है बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग का आप जैसे कि मान के चलो जो क्वांटिटी टेक ऑफ होता है उसका एक काम कर सकते हैं आप, ओके, क्वांटिटी एस्टिमेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि 3D में उतना एस्टिमेशन प्रॉपरली होता नहीं, इसलिए स्पेसिफिकली अलग फील्ड ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें आप बिल्डिंग में कर सकते हैं एज अ बिल्डिंग डिजाइनर।
ठीक है, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो इनके अलावा और एक फील्ड आपके लिए हो सकती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो इतनी सारी जॉब रिलेटेड टू बिल्डिंग या फिर रियल एस्टेट आपको मिल सकती है। साथ ही साथ और एक जॉब है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ प्लानिंग प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर। ठीक है, और एक जॉब मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है सर्वेयर। सर्वे की आप जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू द बिल्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। क्यों? बिकॉज जब आपको कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ जाता है तो आपकी ये क्राइटेरिया आपका फिलफिल हो जाता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जाओगे तो उस टाइम में ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, नाउ जस्ट कम टू द रियल एस्टेट मार्केट, कम टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मार्केट। अगर मैं इंफ्रा के बारे में बात करूं, ठीक है, जस्ट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अभी इंफ्रा में दो कैटेगरी पहले होती है। ठीक है, पहले कैटेगरी होती है हाईवेज, ओके, और दो से ज्यादा होती है हाईवे। ठीक है, रेलवे, ओके, वाटरवे, ओके, और वाटरवे क्या, आपका स्ट्रक्चर्स। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड आपको ज्यादा मतलब सैलरी भी प्रोवाइड कर सकती है, लेस सैलरी भी प्रोवाइड कर सकती है, बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज यू हैव। ठीक है, तो अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे में आपको अलग अलग तरीके से जॉब आ सकते हैं। देखिए, हाईवे में भी दो कैटेगरी आती है, एक तो आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करें या एक तो आप कंसल्टेंट के पास काम करें। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं, ठीक है, तो आप एक तो एज अ एग्जीक्यूटिव आप साइट इंजीनियर जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लानिंग इंजीनियर जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आप जैसे मान लो, जैसे प्लानिंग के बाद फिर आप उसको सुपरविजन टीम में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आप जैसे होते हैं, जैसे मान लो, मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्वे में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं कंसल्टेंसी की बात करूं तो आप उसमें सॉफ्टवेयर जैसे हाईवे डिजाइनर का काम कर सकते हैं। ओके, हाईवे डिजाइनर, ठीक है, जिसके लिए आपको एक तो सिविल 3D सॉफ्टवेयर चाहिए, या आपको चाहिए MX रोड या उसका अपग्रेडेड वर्जन ओपन रोड, ओके, विथ गूगल अर्थ एंड ऑल जो हम लोग सिखाते हैं, दैट वो आपको आना चाहिए। सेकेंड वन जो है, आप हाईवे डिजाइनर के बाद आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं उसमें। ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम, जिसमें आप MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रामावेरा P6 प्रामावेरा का काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आप ये होने के बाद फिर आप जैसे सर्वेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जियोटेक का GT का काम कर सकते हैं, जियोटेक डिजाइनिंग। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में आप इसमें हाईवे में काम कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द रेलवे, जैसे यहाँ पे हम हाईवे डिजाइन करें वैसे रेलवे डिजाइनिंग आता है, वाटरवे में इसका बहुत सारी चीजें आती है। और जैसे स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कलवर्ट हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, ठीक है, वाटर टैंक हो गई। ओके, तो स्ट्रक्चर के लिए आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है, जैसे स्टैट प्रो हो गया। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है अगर आप स्ट्रक्चर में काम करना चाहते हो। आपको मीडास आना चाहिए, ओके, आपको प्रॉपरली एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज आना चाहिए। ओके, साथ ही साथ और दूसरे सॉफ्टवेयर है जैसे ईटैब हो गया, ओके, उनका भी सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑटोडेस्क के रोबोट एनालिसिस के सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर विथ बेसिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स
आपको अगर आते हैं तो आप इन फील्ड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको किस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जब आप जॉब के बारे में सोचते हो। अभी ये हमने बात की प्राइवेट्स के बारे में, बट गाइस व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपको तो ये चीज पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की जॉब हमारे इंडिया में काफी अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे जेई की जॉब होती है, आपको एसएससी के थ्रू जॉब मिल सकती है, आपको आरआरबी के थ्रू जॉब मिल सकती है, आपको गेट के थ्रू जॉब मिल सकती है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज होती है वो आपके लिए जॉब पब्लिश करती है, ठीक है। आपको पब्लिक पीडब्ल्यूडी की जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट कर मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब आप एज ए इंजीनियर निकलते हो तो आप इन सब एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी भी है तो थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करें, ओके, और फाइनल ईयर तक उसके रिजल्ट देखना आपको पता चल जाएगा। तो इन सारी चीजों को एक्वायर करने के लिए जो बेसिक रूल होता है वो होता है आपको एप्टीट्यूड, ओके, मैथ, ये दो सब्जेक्ट आपके अच्छे रहने चाहिए, और साथ ही साथ कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ओके, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स, ओके, मैकेनिक्स, फिर उसके बाद एनवायरमेंट, ओके, ये चार सब्जेक्ट भी अगर आप कवर साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगर आप ये कर लेते हो तो आपको काफी अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प होगी, ओके। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर आप मुझे और कमेंट लिखेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, तो आई होप कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और वो आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, प्लीज वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।